नहीं सब कुछ कराने वाले हैं। भगवान ने मानव शरीर धारण किया था। अब आप पूछे भगवान जमीन पे क्यों लेटे, राजा लोग तो मंच पे लेटते थे। तो राम जी ने खुद त्याग किया है ना। राम जी का जो मानव रूप है वो त्याग का बलिदान का है, लोगों को जोड़ने का है। उन्होंने केवट को जोड़ा, निषाद को जोड़ा, रीछ को डाला, भालू आदिवासी को जोड़ा और फिर शत्रु पर प्रहार किया। समाज को बनाने वाले राम है। तो राम जी सब कुछ करा रहे हैं, तो राम जी के बारे में कौन कराएगा? गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, पारदर्शी पीएम ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक बने रही है। अब आप प्रश्न कचो, अब मुझे देने उत्तर दीजिए। भाजपा ने अपना जो संकल्प पत्र है उसमें अपना स्पष्ट अभिमत दे दिया है, यानी हमारा मत आप सबको पता है। अब राम जी उस काज को कितनी जल्दी करा दे, उनकी सदकृपा कितनी जल्दी होगी। अब मैं समझता हूँ कि ये भारतवर्ष जो है ये धर्म और आस्था पर चलने वाला देश है। धार्मिक आस्था जो है वही हमें सदकर्म को करने के लिए प्रेरित करती है और भारतीय जनता पार्टी रामराज की परिकल्पना के आधार पर काम कर रही है। राम काज क्या है? राम काज है सत्य पर चलना, गरीबों को, पिछड़ों को जोड़ना। जैसे उन्होंने रीछ, बानर, भालू को जोड़ा ना, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया प्रधानमंत्री जी ने, और उसके साथ साथ उन्होंने हर बैंक में किया कि बैंक में लोन मिलेगा। अब तो 10 लाख का लोन भी जो है 1 करोड़ तक का केवल 59 मिनट में दे रहे हैं। जनधन खाते खोले, किसके लिए खोले? गरीब के लिए। गरीब कौन था? वो पिछड़ा था, अनुसूचित था, दलित था, ये थे। यानी आज 90% योजना बिजली दी किसके दी? जो उससे वंचित थे, सौभाग्य योजना के माध्यम से। आवास दिए किसको दिए? जो वंचित थे उनको दिए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस दी किसको दी? जो वंचित थे, पिछड़े थे, उनको अधिकांश लाभ हुआ। यानी ये सरकार वही काम कर रही है जो राम राज्य में गरीबों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो राम काज का वही राम काज कहलाया। ये राम काज को पूरा करने का काम हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार योगी जी की बड़ी सक्षमता के साथ कर रही है। और पहली बार हमारा बजट जो है कृषि आधारित बजट हुआ है। किसानों की आमदनी को दोगुना करना, राहत जो आपका आपदा हो उस आपदा को तत्काल 1.5 गुना तक का उसको पहुंचा देना, ये एक ऐसे कार्य है जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुए। गरीब को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा सरकार उठाए। हिंदुस्तान के जब आज़ाद हुआ होगा तो ना हिंदुस्तानी किसी नेता ने सोचा होगा और ना ही विदेशी शासकों ने सोचा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। मंत्री जी, यहाँ पर